नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के किसान नेता घनश्याम सिंह ने बताया कि जनपद की सभी शुगर मिल चल चुकी हैं, लेकिन अभी तक किसी भी चीनी मिल ने गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया है और किसी भी चीनी मिल ने किसानों का बकाया भुगतान नहीं किया है। किसान नेता घनश्याम सिंह ने गन्ने का मूल्य 450 रुपए निर्धारित करने की मांग करते हुए कहा कि किसानों को मोबाइल पर पर्ची SMS की जा रही है, जिससे किसानों को बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि सभी किसान पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए पर्ची शुगर मिल द्वारा किसानों को बुला कर दी जाए। धामपुर से दिनेश प्रजापति की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? घनश्याम सिंह पांडे। पांडे जी, आज धामपुर नायब साहब, तहसीलदार साहब को ज्ञापन सौंपा है, क्या मामला है, पूरा मामला बताइए। आज ये जो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने LDM साहब के माध्यम से गन्ना आयुक्त को ज्ञापन भेजा है, जिसमें किसानों की भिन्न भिन्न समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या ये है के जो पर्ची वितरित की है उसमें किसानों को बहुत परेशानी हो रही है। मैसेज द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है, इसमें बाधाएं किसानों के सामने पड़ रही है, क्योंकि किसान पढ़ा लिखा नहीं है, जो कि वो मोबाइल चलाना भी नहीं जानता। वो खरीद तो लेगा पर मोबाइल चलाना वो नहीं जानता। दूसरी बात यह है कि सारी चीनी मिलें सुचारू रूप से चालू हो गई हैं करीब करीब, और अभी तक रेट का कोई निर्धारित मूल्य नहीं हुआ, और 3 साल से किसान के गन्ने का कोई भी रेट नहीं बढ़ाया गया, और किसान को कम से कम 450 रुपये प्रति क्विंटल रेट चाहिएगा, इससे कम पे किसान का भला नहीं होगा। यही हमारी मांग है।